प्रयास किया गया। बुलंदशहर से खबर। नाबालिग से गैंगरेप का प्रयास किया गया। गैंगरेप का प्रयास करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि दो दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश की गई थी। पीड़िता के शोर मचाने पर फरार हो गए थे आरोपी। दो दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश की गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को नाबालिग बता रही है। अरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना को दिया था अंजाम। पुलिस दोनों आरोपियों को बता रही है नाबालिग। बुलंदशहर से खबर। चाप पर नाबालिग से गैंगरेप का प्रयास। गैंगरेप का प्रयास करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दो दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश। दो दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश की गई थी और फिलहाल पुलिस ने आपको बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, प्रकरण एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का है, जिसमें नामित दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक की उम्र 13 साल, दूसरे की 14 साल है, जो अभियुक्त है, और बच्ची जिसके साथ घटना हुई है उसकी भी उम्र लगभग 14 वर्ष के आसपास है। ये सभी अलग अलग अपने रिश्तेदारियों में आए हुए थे। बच्ची शौच के लिए गई थी वहाँ। और कासगंज से खबर आपको बताएंगे, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।